अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टेट टाइम यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चैप्टर पर 6 फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइनोसाइडल करंट हैज़ RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो इसमें आप लोगों ने मैक्सिमम पीक वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ करंट डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। तो इंडक्टर ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को गुजरने की इजाज़त दे देती है बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच विल परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। आगे, हाउ मेनी टाइम पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। एन इनकैंडेसेंट लैम्प विल रीच टू मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इन वन एसी साइकिल द करंट बिकम्स मैक्सिमम ट्वाइस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल इज 50 हर्ट्ज, सो इन 1 सेकेंड ब्रिलियंस इज मैक्सिमम ट्वाइस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इक्वल टू 2f इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 100 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ करंट कंटेन एन आयरन कोर इंडक्टर स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन्ड। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट। Consider a series circuit containing an iron core inductor switch and a DC source. When the switch S is closed, current increases from 0 to maximum value. The changing current produces change in the magnetic flux due to which an EMF is induced in the coil. This induced EMF becomes 0 when current becomes steady. When the switch is reopened again, induced EMF is developed across the conductor. When this back EMF has a sufficiently large value, it produces a spark at the end of the switch contacts. How does doubling the frequency affects the reactance of an inductor or capacitor? आप लोगों ने प्रूव करके दिखाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ RL सर्किट विल बी द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम बनानी है और बताना है कि लीड करेगा या लैग करेगा। तो हमने बताना है लीड करेगा बाय एन एंगल थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं है इंक्लूड, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।